हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अकबर बीरबल की एक और मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अकबर बीरबल और सबसे खूबसूरत बच्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर बीरबल और सबसे खूबसूरत बच्चा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। बीरबल कहता है, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? बीरबल कहते हैं, नहीं नहीं जहां पनाह, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमारा शहजादा बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। अकबर कहते हैं, तो क्या हम यह समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? बीरबल कहते हैं, जी जहांपनाह, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर कहते हैं, बीरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी सुंदर खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी सुंदर बच्चा को खोज में निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार में आता है। बीरबल राज दरबार में अकेले ही आता है। यह देखकर अकबर खुश होकर कहता है, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक सुंदर बच्चा नहीं मिला क्या? बीरबल कहते हैं, जहांपनाह, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूं कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर कहते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? तो बीरबल कहते हैं, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूं, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूं। अकबर कहते हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? तो बीरबल ये कहते हैं, यह तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। बीरबल कहते हैं, जहांपनाह, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदल कर जाना होगा। तो अकबर कहते हैं, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाता है, जहां एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। तो बीरबल कहता है, उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर कहते हैं, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने इस बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से से कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया?
मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बीरबल कहता है, जहांपनाह, अब आपको सब समझ में आ गया होगा। अकबर कहते हैं, हाँ अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। तो बीरबल कहते हैं, बादशाह अकबर, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। तो अकबर कहते हैं, बीरबल तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। बीरबल कहते हैं, जहांपनाह, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर अच्छी तालीम दें। अकबर कहते हैं, बीरबल तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी किसी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो घमंड टूटता जरूर है। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें। धन्यवाद।